बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज ही आप पुख्ता इरादा कर लें कि बस हम आजम करते हैं, अगर 5 वक्त की नमाजें भी पूरी सुनन मुस्तहबात और नवाफिल के साथ अदा करना शुरू कर दें तो देखना आप विलायत मार्फत का दरवाजा खुल जाएगा। आप सोचें कि फजर की मैंने 4 रकात ही पढ़नी है, 2 सुन्नत और 2 फर्ज पढ़ने हैं और जोर की 12 पूरी रकात पढ़नी है, 4 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ूंगा, 4 फर्ज पढ़ूंगा, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ूंगा, फिर 2 नफिल पढ़ूंगा, पूरी 12 पढ़ूंगा, असर की पूरी 8 रकात पढ़ूंगा, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पहले पढ़ूंगा, उसके बाद 4 फर्ज अदा करूंगा, मगरिब की पूरी 7 रकात पढ़ूंगा, 3 फर्ज पढ़ूंगा, 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ूंगा, 2 नफिल पढ़ूंगा, ईशा की पूरी 17 रकात पढ़ूंगा, पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ूंगा, फिर 4 फर्ज पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 2 सुन्नत पढ़ूंगा, फिर 2 नफिल पढ़ूंगा, फिर 3 वितर पढ़ूंगा और वितर के बाद फिर 2 नफिल पढ़ूंगा। ये 17 रकात पूरी ईशा की मैं पढ़ूंगा। अगर 5 नमाजें भी पूरी क्वांटिटी और पूरी क्वालिटी के साथ आज हम पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह के नबी ने तो ऐसे शख्स के लिए दुनिया में बशारत दे दिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी के पास एक शख्स आके वादा करता है कि 5 नमाजें मैं पुख्ता तरीके से अदा करूंगा, 1 नमाज की भी कमी नहीं करूंगा। जब कह के लौटा है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तुमने दुनिया में चलता जन्नती देखना है तो इस शख्स को देख लो, इसने दुनिया के अंदर जन्नत का फैसला करा लिया। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ज्यादा मेहनत नहीं, 5 नमाजें भी अगर पूरी ये अदाब और नवाफिल के साथ, ये कहने की जरूरत है सुनने से गैर मुअक्कदा ही तो है, छोड़ो यार फर्ज पूरे कर लो, नहीं नहीं, आप ये पूरी, और ये सब अहदीस तैयबा में आता है, कौन कौन सी सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा नवाफिल, किन किन अहदीस, ये सियाह सित्ता की हदीसें हैं, उसके बताने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आज आप पुख्ता इरादा कर लें 5 नमाजें पूरी क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ पढ़ने का, अल्लाह तबारक व ताला आज ही आपको विलायत मार्फत की तौफीक अता फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें विलायत मार्फत का मुकाम अता फरमाए, हमारी दिल की आँख खोल दें जिससे हमें इस दुनिया की हकीकत नज़र आ जाए और हकीकत दुनिया को सामने रखते हुए हम जन्नत के रास्ते पर कदम रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।